बोले जी बाइबल में लिखा है, इतने सारे धर्म है, बाइबल में लिखा है जीसस कहते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं। तो गॉड कौन? क्रिश्चियन को पता नहीं है। कुरान में लिखा है, क्या लिखा है? आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। मोहम्मद साहब ने बताया, बिल्कुल ठीक बात है, वो मैसेंजर है। तो अल्लाह कौन? कृष्णा। गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज पदा पिता, यानी एक ग्रंथ में पिताजी के बारे में, एक ग्रंथ में बताया गया मैसेंजर के बारे में, और एक ग्रंथ में बताया गया किसके बारे में? बेटे के बारे में। तो कोई भी ग्रंथ गलत नहीं है, लेकिन पिताजी का जो ग्रंथ है वह सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। जैसे कई सारी डिक्शनरी मार्केट में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और पॉकेट डिक्शनरी, दोनों डिक्शनरी समान है, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो नॉलेज है वो पॉकेट डिक्शनरी में मिलती नहीं है। इसी प्रकार भगवत गीता का जो नॉलेज है वो आपको अन्य ग्रंथों या किताबों में नहीं मिलेगा। इसलिए भगवत गीता को राष्ट्रीय आध्यात्मिक पुस्तक के नाम से घोषित किया गया।